प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 18, प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वो एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये कथन था ए टिचनर का, बी वुंट का, सी वुड्सवर्थ का, डी मैकडूगल का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, डैस के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ए बंडूरा, बी युग, सी एडलर, डी फ्रायड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक द्वंद, बी पुनरावृत्ति का अभाव, सी सीखने की मात्रा, डी शिक्षक की योग्यता। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या का समाधान करने की क्षमता कहलाती है ए एक कारक, बी द्विकारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी सांस्कृतिक बुद्धि। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ए इलाहाबाद, बी सिकंदराबाद, सी कानपुर, डी आगरा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं की फसल प्रथम क्रांतिक अवस्था है? ऑप्शन ए बालियां निकलना, बी दुग्धावस्था, सी कल्ले निकलना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ए टपक सिंचाई विधि, बी फर्ट विधि, सी छल्ला विधि, डी प्रवाह विधि। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, डी स्थायी बंदोबस्त से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ए सुचेता कृपलानी, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी नलिनी सेन गुप्ता, डी एनी बेसेंट। सही जवाब है डी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए मौर्य काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, डी वर्धन काल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11,
सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? ए व्याख्यान, बी श्रव्य दृश्य, सी कार्य निर्धारण, डी वाद विवाद। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है ए पढ़ाने का तरीका, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम, डी कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ए छपा, बी शशक, सी शर्वरी, डी यामिनी। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सर्वाधिक सही है? ए यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, बी यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, सी यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ, डी यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। निषिद्ध शब्द का विलोम है ए विहित, बी संदिग्ध, सी अनुपयोगी, डी प्रतिबंधित। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है ए पीयूष, बी पावक, सी अंबर, डी मयंक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नाउ इट कम्स क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू इंसिपिड। ऑप्शन ए है इम्प्लांटेबल, बी ब्लैंड, सी टेम, डी सेवरी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड स्पीच इज ए स्पीच इज मोर फॉर्मल, बी स्पीच इज मोर इम्फॉर्मल, सी स्पीच इज मोर डिस्क्रिप्टिव, डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ओबे मी। ऑप्शन ए आई शुड बी ओबेड, बी लेट आई बी ओबेड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड नाउ ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू रिमोर्स। एब्ड्यूरेट, बी हार्ड, सी पेनिटेंट, डी नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है और अनुमति चाहती हूँ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।